चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में, जो कि हिमालय से जितनी भी मेन मेन नदियां निकलती थी उनके सभी का मैप हम देख चुके हैं। अब अगली बारी आती है उन नदियों के बारे में देखने की जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ये जो पहला नक्शा आप देख रहे हैं रेड कलर से प्रायद्वीपीय पठार को दर्शाया गया है। फिर इसके आजू बाजू में आप देखेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूरब की तरफ देखते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान है। यदि हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ब्लू कलर से यहाँ दर्शाया गया है और उसके नीचे में देखेंगे उत्तरी मैदान है और फिर उसी से लगा हुआ है मरुस्थली प्रदेश। थोड़ा सा और भी यदि हम डिटेल में जाते हैं तो ये वाले मैप को आप देख सकते हैं, ठीक है। हिमालय जो हम बोल रहे हैं हिमालय को भी ग्रेट हिमालय में बांटा गया है, फिर शिवालिक हिमालय में भी इसको बांटा गया और बीच में जाता है मध्य हिमालय। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी रिवर है जो कि हिमालय वाले एरिया से निकली हैं और जो कि अपने पानी को कहाँ पर गिराती हैं, ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में। कुछ कुछ रिवर ही ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपनी पानी को गिराती हैं, उनमें नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर हो गया और इधर से यदि हम बात करें तो सिंधु रिवर। और ये जो दक्खन का प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे थे उसको भी अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया, जैसे कि डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। मतलब ये आप देख रहे हैं जैसा हिमालय है वैसे ही यहाँ पर भी हमको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की। इससे यदि हम ऊपर तक की तरफ जाते हैं तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा विंध्यांचल की पहाड़ियाँ हैं और ऊपर चले गए तो अरावली की पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही हैं, हिमालय नदी से यदि इसकी तुलना करें ना तो ये काफ़ी अधिक पुराना है। पश्चिमी घाट एक जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। ये देखिए ये एक जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक का मतलब ये है यहाँ से दो जो अपवाह सिस्टम है वो अलग अलग हो जाते हैं जल विभाजक के माध्यम से, उसको हम जल विभाजक कहते हैं। इसके पश्चिम में छोटी छोटी नदियाँ बहकर अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, पूरब में प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना पानी छोड़ती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब अपना पानी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। कुछ छोटी मोटी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में अपने पानी को गिराती हैं, ठीक है। इनमें से ताप्ती नदी हो गई, तापी जिसको बोलते हैं, माही हो गई और नर्मदा रिवर हो गई। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती हैं। किधर से? पश्चिम से पूरब। नर्मदा और तापी केवल दो नदियां हैं जो कि किधर से बह रही हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इनमें से एक माही रिवर भी है। प्रायद्वीपीय अपवाह के उद्विकास की कब इसका विकास हुआ, कितना ये पुराना है, तो देखिए कुछ कुछ घटनाएं हुई थी हिस्ट्री में जिसके चलते चलते इसका निर्माण हुआ था। शुरू में जो टर्सरी काल था इसके दौरान जो पश्चिमी वाला किनारा है, पश्चिमी वाला किनारा है इसका, धस गया जिससे ये समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल संभर के दोनों ओर नदी की समानता सममित योजना में गड़बड़ी आ गई थी। एक एरिया धस गया है इसी के चलते चलते, ठीक है, जो मूल संभर है उसके दोनों ओर नदी की समानता सममिति होना चाहिए था, वैसी सममिति यहाँ हमको नहीं दिखाई दी। कुछ नदियाँ इधर जा रही, कुछ नदियाँ उधर बह रही हैं, ये बात यहाँ पर बताई जाती, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और कुछ राइट हैंड साइड। फिर हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ।
देखिए, हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठने लगा तो प्रायद्वीपीय पठार का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है हिमालय के किनारे किनारे का, वो भी क्या होने लगा, अवतलन होने लगा। हिमालय उठ रहा है लेकिन इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो नीचे डाउन में जा रहा है। इसी के चलते चलते भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरदन के कारण मूल दरारों को भरते जा रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। और भी कुछ कुछ यदि हम खास बातों की करें ना, तो ये जो नदियां हैं ना अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जो हिमालय प्रायद्वीपी पठार वाला सिस्टम है ना पुराना है। पुराना है तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो नदियाँ हैं उनकी आयु भी ज़्यादा होगी। ये नदियाँ जो घाटी बनाती हैं वो ज़्यादा चौड़ी और उनकी गहराई भी कम है। यहाँ से निकलने वाली नदियों की लंबाई हिमालय की नदियों की अपेक्षा छोटी, ज़्यादातर आप देखेंगे छोटी नदियाँ ही यहाँ से निकली हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात जो कि हिमालय नदी सिस्टम और प्रायद्वीपीय पठार नदी सिस्टम को अलग करता, वो है बारहमासी नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं बारहमासी हैं, वहीं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ना ज़्यादातर पानी के सोर्स पर निर्भर करती हैं, ज़्यादातर मतलब बरसाती होती हैं। बरसात के समय ये नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती हैं, वहीं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग पर नदी छिपरिकाएँ, झरना, जलप्रपात, ये सारी चीज़ों का निर्माण करती हैं। और ख़ास बात ये है कि ये अपने रास्ते में विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख न्यूज़ को। तो पहली न्यूज़ हम देखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस से संबंधित। हर साल हम 14 दिसंबर को इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को बताना कि हमने ऊर्जा दक्षता के मामले में क्या-क्या कदम उठाए हैं, ऊर्जा के संरक्षण के मामले में भारत कौन-कौन से कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अंतर्गत संचालित किया जाता है। दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, किसी भी काम को करने की कितनी आपकी कैपेसिटी। तो ऊर्जा संरक्षण हम किसको बोलेंगे? ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये है ऊर्जा को सेव करना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, उसको अनावश्यक तौर पर उपयोग ना करना। जैसे ज़रूरत नहीं है और आप पंखा चला रहे हैं, आपका लाइट चल रहा है, टीवी चल रही है, तो ये क्या है? ऊर्जा का अनावश्यक मिसयूज़ आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें घर या ऑफिस में अनावश्यक लाइट, पंखा, इनका यूज़ आप ना करें अनावश्यक तौर पर। पता चला आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपकी लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो ये सब बातों में हमें ध्यान देना। तो हमारे दैनिक जीवन में घर से लेकर के, ठीक है, घर में यूज़ करने वाली बिजली से लेकर के फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए एनर्जी का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। तो भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले पर आधारित बनाई जाती है। ठीक है, ताप विद्युत ग्रह हैं हमारे यहाँ पर बिजली बनाने वाले, और हमें पता है कि कोयला जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो सोर्स है ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? इस बात को हमें सोचना है और उस हिसाब से हमें काम करना है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम क्यों मनाते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से बिजली की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, ऐसे में ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत सरकार द्वारा भी देश के नागरिकों में ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धि को बताना। देश में ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरत और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2001 में गवर्नमेंट के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को पारित करा था।
इस अधिनियम के अंतर्गत देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए हमें। इस अधिनियम के बाद ही हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। अगस्त 2022 में लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसका उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में कुछ चेंजेस लाना है। कौन कौन से कार्यक्रम सरकार चला रही है, जैसे कि प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना, मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, उजाला योजना, इको निवास, ये सारी स्कीम सरकार चला रही है। अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें पैट स्कीम की, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, या फिर पैट स्कीम के नाम से इसको शॉर्टकट में हम जानते हैं। पैट योजना के अंतर्गत योजना बचत के सर्टिफिकेशन के माध्यम से ऊर्जा एफिशिएंसी में सुधार, दक्षता में सुधार, में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशन बनाए गए हैं, उसमें से एक है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1100 इंडस्ट्रियल यूनिटों को कवर किया जा चुका है। इस कार्यक्रम से 40,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत हो रही है। साथ ही 105 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन भी हम रोक पाए हैं। अब हम बात करते हैं मानक और लेबलिंग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, कलर टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जनरल पर्पल इंडस्ट्रियल मोटर, इसके अलावा LED लैंप, एग्रीकल्चर पंप सेट, इनके मानक निर्धारण और लेबलिंग का काम चालू किया गया है। मतलब कौन सी मशीन कितनी बचत कर रही है, कौन सा मॉडल कितना बचत कर रहा है, इसकी जानकारी ग्राहकों को दिया जाना जरूरी है। इस कार्यक्रम से 60 बिलियन यूनिट की बिजली की सालाना बचत हो रही है और 60 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन भी कम हुआ है। फिर उजाला योजना के बारे में तो आपने बहुत सुना है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत भारत सरकार कम प्राइस पर LED बल्ब देती है। इसमें 150 करोड़ LED बल्ब बांटे गए। इस योजना से भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत होने के साथ ही 100 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन भी कम हुआ है। लास्ट में दो पॉइंट बच जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, जिसको ECBC कहा जाता है, ऐसी बिल्डिंग जो कि ट्रेड के पर्पस से बनाई जा रही हैं, व्यापार के हिसाब से, इंडस्ट्री के पर्पस से बनाई जा रही हैं, तो 100 किलोवाट के संयोजित लोड या फिर 100 किलोवाट एम्पियर और इससे ज़्यादा की डिमांड वाले बिल्डिंग के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित किया गया है। BEE नई इमारतों के लिए स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम भी विकसित किया है, जो एक इमारत के वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित। फिर वहीं बात करें इको निवास संहिता की, तो विद्युत मंत्रालय ने इको निवास संहिता 2018, रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता ECBCR की शुरुआत करी थी। इस संहिता के कार्यान्वयन से 2030 तक 125 अरब यूनिट बिजली की बचत होने की संभावना है, जिससे लगभग 100 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन को हम रोक पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे अपार्टमेंट और नगरों को डिजाइन तैयार करना और उनके निर्माण को बढ़ावा देना है, जिनमें रहने वालों को ऊर्जा की बचत का लाभ मिल सके। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं काजिंद एक्सरसाइज से रिलेटेड। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण, ठीक है, संयुक्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसकी शुरुआत होने वाली है 23 अगस्त से। तो इसकी यदि हम बात करें, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6वें नंबर का संस्करण काजिंद 15 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जगह हमें याद रखना है कि उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जा रहा है 2022 का संस्करण। कजाकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त वार्षिक ट्रेनिंग अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू हुआ था।
जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड कर दिया गया और 2018 में इसका नाम हमने चेंज करके काजिंद रख दिया। कजाकिस्तान सेना के सैनिक, जिसमें दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैन्य सैनिक शामिल हैं, उनके साथ में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक रहेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस प्रवर्तन शासनादेश के हिसाब से सकारात्मक सैनिक संबंध आगे बढ़ाना है। एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को शेयर करेंगे और जो अर्धशहरी या फिर जंगली परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर काम करना है, एक साथ सैन्य गतिविधियों का आयोजन करने की कैपेसिटी को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ में संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में आने वाले संभावित खतरों को नाकाम करने के लिए अभ्यासों की एक श्रृंखला के अंतर्गत ट्रेन करने, योजना कैसे बनाना है, उसका निष्पादन कैसा करना है, ये सारी चीज़ें ये सीख पाएंगे। इसके बाद द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन में भी पार्टिकुलरली हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, WPI की। इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए दो इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, एक है CPI और दूसरा है WPI। CPI जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और एक होता है WPI जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो जो CPI होता है वो ग्राहक के लेवल पर वस्तुओं और सेवाओं के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको बताता है। वहीं यदि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो जो होलसेलर बेचता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बताता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। बिफोर समथिंग रीचेस द अल्टीमेट लेवल द कंज्यूमर द WPI एग्जामिन डिफरेंस इन कमोडिटीज प्राइस एट द प्रिस्क्राइब लेवल। WPI के अंतर्गत क्या है ना, अंतर ज्ञात किया जाता है कि पहले कितना था और आज के टाइम में कितना प्राइस बढ़ गया है, उसका डिफरेंस निकाला जाता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस को। WPI इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ साथ में एंड इंडस्ट्रीज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। WPI कवर करता है केवल गुड को, गुड मतलब वस्तुओं को, एंड मेन कैटेगरीज कवर्ड आर गैसोलीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्लस मैन्युफैक्चर्ड गुड इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इट पब्लिशिज मैचिंग राइटर्स फ्यूल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वीकली और मंथली। द फाइनेंशियल ईयर इज यूज एज द बेस ईयर बाई WPI। इसके लिए हमने एक बेस ईयर बना लिया है कि इस बेस ईयर से हम 2022 की तुलना करेंगे कि उस टाइम में रेट कितना हुआ करता था और आज के टाइम में रेट कितना हो गया है। तो WPI की जो न्यू प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप है इसके अंतर्गत 117 आर्टिकल को रखा गया है फ्रॉम 98 प्रीवियसली। पहले कितना था, 98 था। वाइल द एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी रिमेन्स द सेम 8 16। वहीं यदि हम इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की बात करें तो इनको 16 नंबर पे ही रखा गया है, पहले भी ये उतने में ही थे। इसके अलावा बताया जाता देयर आर 564 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन द करेंट सीरीज। करेंट की जो सीरीज़ है यहाँ पर 554 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं कंपेयर टू 318 इन देयर प्रीवियस सीरीज। 318 पहले थे, आज के टाइम में 564 हो गए हैं। न्यूज़ को देख लेते हैं तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है, अभी फ़िलहाल कितनी, 5.85% रही है नवंबर के महीना में। इंडिया की होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है तेज़ी के साथ में, 5.85% रही है नवंबर के महीने में। पहले ये थी 8.4% अक्टूबर के महीने में। थैंक्स टू ए ब्रॉड बेस्ड डिप इन प्राइस राइज लेड बाय फूड आइटम्स हुज इन्फ्लेशन स्लिप्ड फ्रॉम 6.5 इन अक्टूबर टू जस्ट 2.2%।
जो फूड आइटम है बताया जा रहा है उसमें भी इस इन्फ्लेशन में हमको गिरावट देखने को मिली है। इन्फ्लेशन इन प्राइमरी आर्टिकल्स एट द होलसेल लेवल हाफ्ड फ्रॉम 11%, आधी हो गए हैं। ठीक है, दाम अक्टूबर पहले अक्टूबर में 11% थे, जो आज के टाइम में 5.5 हो गए नवंबर के महीने में। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल से। ठीक है, बेपोर उरु ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा तैयार की गई एक नाव है। इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की डिमांड की गई है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कोझिकोड ने अप्लाई किया है एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए आवेदन फॉर द फेमस बेपोर उरु। ठीक है, बेपोर उरु बोट को कहा जाता है। ये क्या है? ये एक वुडन की धाउ है, DHOW, धाउ मतलब दस्तकारी, शिप सेलिंग बोट, सेलिंग वेसल्स भी इसको कहा जाता है। इसको हैंडक्राफ्ट किया जाता है बाय स्किल्ड आर्टिसन एंड कारपेंटर इन बेपूर के केरला। केरला का जो बेपूर वाला इलाका है वहाँ पर इसको स्किल्ड लेबर के द्वारा तैयार किया जाता है, स्किल्ड कारपेंटर के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ऑन इट्स फाइलिंग विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेयर इन चेन्नई, कहाँ पर आवेदन लगाया गया है, चेन्नई में। ये जो बेपूर उरूस हैं ये सिंबल माने जाते हैं केरला के ट्रेड रिलेशन और फ्रेंडशिप विद गल्फ कंट्रीज के साथ में। ये जो बोट होती है ना, प्योरली मेड बाय प्रीमियम वुड, मतलब सस्ती लकड़ी से इनका निर्माण नहीं किया जाता, प्रीमियम वुड से इनका निर्माण किया जाता विथाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक, किसी भी आधुनिक तकनीक के बिना ही इस प्रकार की बोट बनाई जाती हैं। द वुड यूज टू बिल्ड उरु इज स्टिल सॉड एंड ट्रेडिशनली वे विच रिक्वायर्स इमेंस एक्सपर्टाइज। कटिंग के लिए भी इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, 1 से लेकर के 4 साल लग जाते हैं टू बिल्ड ईच उरु, एक नाव बनाने के लिए। एंड द एंटायर प्रोसेस इज डन मैनुअली, पूरी की पूरी प्रोसेस करी जाती है मैनुअली, ऐसा बताया जाता है। कई सारे आज के टाइम में देखेंगे तो कई सारे आर्टिजन ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं उरु मेकिंग में, आर ओवर 50 से 70 ईयर्स ओल्ड एंड हैव बीन इन प्रोफेशन सिंस देयर फादर पास्ड ऑन ट्रेडिशन टू देम। 50 से 70 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। बेपूर हैज़ बीन ए लीगेंडरी मैरीटाइम हब फॉर ट्रेडर्स। उस टाइम में जो बेपूर है एक लीगेंडरी मैरीटाइम हब हुआ करता था ट्रेडर्स के, ट्रेड के मामले में अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस 1st century CE, एंड द आइकोनिक उरु शिप्स हैव बीन हाई डिमांड फॉर अराउंड 2000 ईयर्स। कितना ये पुराना व्यवसाय है, आप इसको